जय माता दी। साथियों, आज बात करते हैं एक विदेशी पौधे की जो नॉरफोक आइलैंड पाइन कहलाता है। ये वास्तव में पाइन नहीं है, एक कोनिफरस वृक्ष है और ये नॉरफोक आइलैंड का ही मूल निवासी है। यह पौधा भारत में प्रचलित हो रहा है अपनी पत्तियों की शेप के लिए, जिस तरह से इसकी ब्रांचेस पैदा होती हैं, शाखाएं पैदा होती हैं और इसकी हरी भरी पत्तियों के लिए। यह पौधा घर में सजावट के लिए लाया जाता है और विदेशों में तो यह एक लिविंग क्रिसमस ट्री के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे ट्रायंगल ट्री भी कहते हैं और इसका वास्तविक नाम है, वैज्ञानिक नाम, एरोकेरिया हेट्रोफिला। इसे स्टार पाइन भी कहते हैं। पौधा लगाना आसान है और धीरे धीरे बढ़ता है। इसे ब्राइट लाइट चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट लाइट में भी यह चल जाता है। अपनी प्राकृतिक दशाओं में तो यह 220 फीट तक ऊंचा पेड़ होता है, लेकिन गमलों में यह ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, तो एक सजावटी पौधे के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है सुंदरता के लिए। और ऑक्सीजन तो हर पौधा देता ही है। इसकी पत्तियां डार्क ग्रीन, गाढ़े हरे रंग की होती हैं, स्टिफ सी दिखती हैं, नुकीली, लेकिन वास्तव में बहुत ही मुलायम होती हैं। इसकी बीज के तने वाली शाखा से 5 शाखाएं निकलती हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं और वो बहुत ही सुंदर लगती हैं। इस पौधे को काफ़ी रोशनी, काफ़ी धूप चाहिए इनडायरेक्ट, अगर घर में लगाना है तो, और इसे निकासी वाली मिट्टी, आर्द्रता भी चाहिए, खाद भी चाहिए और इसकी नीचे की पुरानी शाखाओं की कटिंग भी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि वो भूरे रंग की हो जाती हैं। नॉरफोक आइलैंड पाइन को फंगल और पेस्ट कंट्रोल भी चाहिए और यह बीजों से बढ़ता है। इसको कटिंग से लगाना सरल नहीं है, क्योंकि जिस पौधे की कटिंग, इसको शूट टिप से पौधे को कटिंग से लगाया जाता है, लेकिन वो जो पुराना पौधा है उसके मरने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस पौधे को बोनसाई भी किया जाता है और इसके जो बड़े वृक्ष होते हैं, जो अपने मूल स्थान में इसके वृक्ष हो जाते हैं बड़े बड़े, उन वृक्षों को निर्माण में, फर्नीचर में, पानी के जहाज बनाने में काम में लाया जाता है। साथियों, मेरे साथ सुंदर पौधों की सुंदर जानकारी के लिए और उनकी पहचान कराने के लिए, उन्हें देखने के लिए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय माता दी।